हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं बीएन मंडल यूनिवर्सिटी खबर मधेपुरा। जितने भी छात्र व छात्राएं पार्ट टू क्लास पास हुए हैं अब की बार, जिन सभी छात्र व छात्राएं की साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का जो है रिजल्ट पीडीएफ के माध्यम से कॉलेज वाइज जारी कर दिया गया है, तो वैसे छात्र छात्राएं जो अपना रिजल्ट पीडीएफ के माध्यम से कॉलेज वाइज पास विथ ऑनर्स देख चुके हैं, तो उन सभी का जो है अभी अभी बीएन मंडल यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकल कर आए हैं कि आप लोग जो है पार्ट थर्ड में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप लोग कैसे लीजिएगा, क्या अपडेट, क्या न्यूज़ अभी बीएन मंडल यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं, कितना टाइम है एडमिशन की लास्ट डेट और शुरू डेट का हम बात करेंगे, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आप लोगों की पार्ट थर्ड एडमिशन लेने के लिए। सेशन 2000 आप लोग को पता होगा 21 से 24 वाले की जो है आप लोगों का जो है ये थर्ड ईयर है 2023 से 24 वाले, जिसमें आप लोग एडमिशन लेने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। तो आप लोगों का रिजल्ट जो है पीडीएफ के माध्यम से जारी कर दिया गया है। तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन अभी बने होंगे कि मार्कशीट तो जारी नहीं किया गया है पर एडमिशन कैसे ले पाएंगे हम लोग पार्ट थर्ड में, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, ये भी बात करेंगे इस वीडियो में। और आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे पार्ट थर्ड एडमिशन में, और जो है आप लोगों की फ़ी कितने रहने वाले हैं, सभी कैटेगरी भी बात हम करेंगे, एससी एसटी और जनरल के लिए और गर्ल के लिए कितना फी रखा गया है पार्ट थर्ड एडमिशन के लिए बीएन मंडल यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर आप लोग किसी भी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग इसी तरह खबर जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को सही समय पर सही जानकारी आप लोगों को इसी तरह मिलते रहेगा। तो फाइनली बात करते हैं कि आप लोगों का जो कि पार्ट थर्ड में एडमिशन लेने के लिए डेट क्या रखा गया है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट है कि आप लोगों का जो कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि आप लोगों का जो है एडमिशन ले सकते हैं आप लोग। तो एडमिशन किस माध्यम से ले पाइएगा आप लोग, तो आप लोगों का मार्कशीट अभी जारी नहीं किया गया है, तो आप लोगों का जो मार्कशीट पर एडमिशन नहीं होगा, पर आप लोगों का जो पीडीएफ कॉलेज वाइज जो कि ऑनर्स पेपर वाइज जो है जारी किया गया है, तो उस पे आप लोगों का पार्ट थर्ड में एडमिशन होंगे, उसके बाद मार्कशीट जारी होगा। तो आप लोग जो पार्ट टू क्लास पास किए हैं पास विथ ऑनर्स, आप लोग जो अपना ऑनर्स पेपर देख चुके हैं कि हम ऑनर्स पेपर में पास हैं, तो आप लोगों को उसी ऑनर्स पेपर जहां पे आप लोगों की नाम जो है रोल नंबर रैंकिंग कर रहा है जो पीला कलर हो रहा है, तो उसी को जो आप लोगों को स्क्रीन शॉट लेकर रख लेना है, और जो है जो कि कंप्यूटर से जो है स्क्रीन शॉट निकाल लेना है प्रिंट आउट। उसके बाद जो है दूसरी बात आया कि स्नातक प्रथम खंड, यानी कि आप लोगों की हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो पार्ट वन की जो है मार्कशीट और एडमिट कार्ड की छाया प्रति लगेंगे, और साथ ही पार्ट टू क्लास के भी एडमिट कार्ड और जो है मार्कशीट की छाया प्रति लगेंगे, और आप लोगों की आधार कार्ड लगेंगे, आधार नंबर, और एक पीस जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे, और जो है पार्ट टू का एडमिशन रसीद, अगर आप लोग पार्ट टू में एडमिशन लिए थे जिस कॉलेज में, तो उसी कॉलेज का जो है नामांकन रसीद, एडमिशन रसीद चाहिए। और जो हम जो कि आप लोगों को हम डॉक्यूमेंट्स की बात पूरा कर सके, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पार्ट थर्ड एडमिशन में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। फ़ी की बात करें तो एस सी एस टी के लिए फ़ी जो है ₹0 रखा गया है, और गर्ल के भी लिए ₹0 रखा गया, मात्र उन्हें जो है गर्ल को ₹100 लगेंगे एडमिशन के लिए, एस सी एस टी को भी ₹100 रखा गया, तो एस सी एस टी और गर्ल के लिए सेम ही फ़ी रखा गया है, और जनरल और ओ बी सी के लिए जो कि फ़ी अलग अलग कॉलेज में अलग अलग रखा जाता है। तो वैसे कि सभी कॉलेज में जो है एस सी एस टी के लिए भी और गर्ल के लिए भी अलग अलग फ़ी रखा जाता है, तो आपके कॉलेज पे निर्भर करता है कि आपकी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है। तो आप अपना कॉलेज में जाके संपर्क कर सकते हैं कि हमारे पार्ट थर्ड में एडमिशन कब से होने वाले हैं। तो आप लोगों का बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का अपडेट आ गया है कि जो कि आप लोगों के आगे में जनवरी 2024 आने वाले, तो जनवरी की फर्स्ट सप्ताह तक में 2024 की, तो जनवरी की फर्स्ट सप्ताह तक में 100% है कि आप लोगों का पार्ट थर्ड में एडमिशन लेना स्टार्ट कर देगा सभी कॉलेज। तो यूनिवर्सिटी का अपडेट आ गया है कि जनवरी के फर्स्ट सप्ताह तक में आप लोग का जो है पार्ट थर्ड में एडमिशन चालू हो जाएगा सभी कॉलेज में। तो आप लोग एडमिशन लेने के लिए तैयार हो जाइए, और अपना सभी डॉक्यूमेंट्स और तैयार रखिए पार्ट थर्ड में एडमिशन के लिए। और कोई भी आपके माइंड में डाउट एवं क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तब तक देखते रहिए एमपीबी स्टडी खबर मधेपुरा। जय हिंद, वंदे मातरम।